हेलो दोस्तों एंड ऑटो थिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं TVS Ntorq XP के बारे में, जिसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिलती है। तो अगर बात करते हैं TVS की, तो सबसे पहले RR310 निकाली थी राइडिंग मोड्स के साथ में, जिसमें आपको पावर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती थी और साथ ही आप माइलेज भी उन बाइक से अच्छा खासा निकाल सकते थे राइडिंग मोड्स की वजह से। तो सेम इसी तरह TVS ने अभी अपने स्कूटर में सेम फीचर्स दे दिया है, जिसमें आपको स्ट्रीट मोड मिलता है और रेस मोड मिलता है। ये सिर्फ रेस XP वेरिएंट में ही मिलता है TVS Ntorq के। तो हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे क्या काम करता है। तो देखते हैं इस वीडियो में और क्या क्या खास फीचर्स मिल जाते हैं TVS Ntorq में। पर दोस्तों इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो। और अगर वीडियो मेरी थोड़ी भी अच्छी लग रही होंगी ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना, ऐसे हम इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आते रहते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें TVS Ntorq Race XP के बारे में, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 108,000 के आसपास आपको ऑन रोड देखने मिल जाती है। तो ये जो प्राइजेज है वो हर सिटी के हिसाब से थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, तो अपने सिटी के डीलर के पास जाकर एक बार चेक करा लेना। और अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो लुक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल Ntorq के जैसा ही है, बट आपको जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टिव ग्राफिक्स आपको इसमें देखने मिल जाता है। बाकी मेजर चेंज तो इसके इंजन में ही है। और अगर फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में इस स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। मतलब कि आप जिस फीचर्स का नाम लोगे, आप वो फीचर्स आपको इस बाइक में, मतलब स्कूटर में देखने मिल जाएगा। तो आपको इसमें गेमिंग इंस्पायर्ड स्पीडोमीटर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। सिग्नेचर LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं, साथ ही टी शेप आपको टेल लैंप मिल जाएंगे, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा शार्प लुकिंग लगते हैं। राइडिंग मोड्स आपको देखने मिल जाता है स्ट्रीट और रेस में। स्ट्रीट में आपको नॉर्मल मोड देखने मिल जाएगा, जहाँ पे आपको माइलेज अच्छी खासी आप बाइक से निकाल सकते हो, मतलब स्कूटर से निकाल सकते हो। और रेस मोड में आपकी जो स्कूटर है वो थोड़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगी, मतलब अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेंगी। और आपको इस स्कूटर में इनबिल्ट लैप टाइमर भी देखने मिल जाता है, तो मतलब रेसिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। 3 ट्रिप मीटर मिल जाते हैं, मतलब कि मेरे बाइक में भी सिर्फ 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं, तो अच्छी बात है, एक्चुअली काफ़ी अच्छी बात है। इको मोड इंडिकेटर देखने मिल जाता है, मतलब कि आपकी जो बाइक है वो आप काफ़ी ज़्यादा आराम से चलाते हो, तो वहाँ पे इको मोड इंडिकेटर भी आपको देखने मिल जाता है, मतलब कि आपका जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होने वाला है। और आपको यहाँ पे वॉइस असिस्ट भी देखने मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा न्यू है और मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया भी है एक स्कूटर में वॉइस असिस्ट होना। ब्लूटूथ कनेक्टेड स्पीडोमीटर देखने मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे। और आपको यहाँ पे मल्टी मोड डिस्प्ले देखने मिल जाता है, मतलब कि आपको स्ट्रीट मोड में अलग, स्पोर्ट्स मोड में और राइड स्टेटस, तो कुछ अलग अलग ग्राफिक्स आपके स्पीडोमीटर में डिस्प्ले करेगा। राइड स्टेटस आपको देखने मिल जाता है, जो कि सही है। बेस्ट लैप एंड लास्ट लैप भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसके रेसिंग के तरफ ही। पर्सनलाइज वेलकम मैसेज भी देखने मिल जाता है, मतलब कि आप अपने हिसाब से वहाँ पे सेट कर सकते हो बाइक चालू करने के बाद में आपको वेलकम मैसेज कैब चाहिए। इनकमिंग कॉल अलर्ट भी देखने मिल जाता है, साथ ही SMS अलर्ट, नेविगेशन असिस्ट, ये सब आपको देखने मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर भी देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब आपकी जो स्कूटर है वो थोड़ी गर्म हो गई, तो इंडिकेशन आपको देखने मिल जाएगा, जिस वजह से आपको साइड में रोक के थोड़ा सा ठंडा होने देना होगा स्कूटर को। और आपको यहाँ पे फ़ोन बैटरी स्ट्रेंथ डिस्प्ले भी देखने मिल जाता है, मतलब कि आपको साइड में बाइक खड़ी करने की, मतलब स्कूटर को खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बैटरी देखने के लिए कितना चलेंगी। लास्ट पार्क लोकेशन असिस्ट देखने मिल जाता है, इंजन किल स्विच देखने मिल जाता है, और साथ ही आपको हजार्ड लैंप भी देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही है, पर हमेशा ऑन मत रखना भाई, कंफ्यूजन हो जाती है। इंजन के बारे में बात करूँ, तो आपको 124.8 cc का 3-valve सिंगल सिलेंडर इंजन देखने मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.2 PS का 7000 RPM पे, और साथ ही टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.8 Nm का 5500 RPM पे। तो साथ ही ये स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो लगभग कंपनी क्लेम करती है 98 km/h तक, पर मेरा मानना है कि 100 के ऊपर भी थोड़ी बहुत जा सकती है अगर कोशिश करोगे तो, बट करना मत, कुछ काम का नहीं है। टायर के बारे में बात करूँ, तो आपको फ्रंट में 100x80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाता है, और रियर में 110x80 सेक्शन का ट्यूबलेस देखने मिल जाता है। तो टायर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने मिल जाते हैं, मतलब कि एक बाइक के जैसे ही, जो कि सही है। ब्रेक के बारे में बात करें, तो आपको फ्रंट में 220mm का डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने मिल जाता है, तो ब्रेकिंग काफ़ी सही होने वाली है। और अगर फ्यूल टैंक के बारे में बात करें, तो 5.8 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, तो आपको सफिशियंट हो जाएगा। और अगर वेट के बारे में बात करें, तो 116 kg की स्कूटर है, जो कि ठीक ही है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भारी भी नहीं है।
तो मेरे ख्याल से ठीक ही है वेट के मामले में भी। और यहाँ पे सबसे मेन सवाल, कितना देंगी, मतलब माइलेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर माइलेज की बात करूँ तो इसका जो माइलेज है वो निकल के आ सकता है 40-45 किलोमीटर पर लीटर सिटी में, और 45-50 आप हाईवे पे निकाल सकते हो। पर अगर आप रेस मोड पे इस बाइक को चलाओगे, मतलब स्कूटर को चलाओगे, तो थोड़ा कम भी आपको एवरेज दे सकती है, तो आपके ऊपर है वैसे ये सब। तो बस दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी ना थोड़ी सी भी, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और अभी हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहना। वैसे मुझे कमेंट में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपको क्या पसंद है वो जानने में। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Have a nice day.